हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आज सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, सर्दियों के अंदर पशुपालकों को एक समस्या देखने को आती है, जो होती है पशुओं की खांसी, जुखाम, बुखार या निमोनिया होने की। दोस्तों, आज हम इसके लिए बात करेंगे कैट कफ इलेक्ट्रिक की, या आम भाषा में इसको कहते हैं कैट कफ चटनी। दोस्तों, भारत के अंदर जो ये दवा है कैटर रेमडीज की तरफ से बनाई जाती है। इसकी जो पैकिंग होती है वो 100 ग्राम की डब्बी के अंदर पैकिंग आती है। दोस्तों, जो फेफड़ों का मेन फंक्शनिंग पॉइंट होता है वो एल्वियोली होती है, जो पशुओं को निमोनिया के कारण या तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है या उसके अंदर पानी भर जाता है, जिस कारण पशुओं को सांस लेने के अंदर काफी दिक्कत आती है। तो जो ये कैट कफ चटनी होती है, ये मेन तीन तरह से काम करती है। एक तो ये एंटी इंफ्लामेटरी होती है, जो अंदर फेफड़ों के अंदर या श्वास नली के अंदर पशुओं को जो जलन होती है उसको कम करती है। म्यूकोलाइटिक होती है, जो पानी इसके अंदर जम चुका है उसको तरल के रूप में अंदर बनाती है। और साथ में एक्सपेक्टोरेंट होती है, जो पानी इसके अंदर या जो भी मवाद रेशा पशु की छाती के अंदर जो जम चुका है उसको बाहर निकालती है। दोस्तों, इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जानने के पहले हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, कैट कफ चटनी टोटली हर्बल है। इसके अंदर हर प्रकार से देसी जड़ी बूटियां डाली गई है, जैसे कि अधूसा, कंठकारी, अंबा हल्दी, मुलट्ठी, सौंठ, नौशादा अलसी, नमक, कलमी शोरा और साथ में जो इसका गुड़ का बेस डाला हुआ है, जिसके कारण पशुओं को लेने में बड़ी आसानी आ जाती है। दोस्तों, पशुओं को अगर जुखाम हो, खांसी हो, निमोनिया हो, पशु दांसता हो, उसको इन्फ्लुएंजा हो जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको दोस्तों देने का तरीका भी बहुत आसान है। कैट कफ चटनी जो होती है, दिन में 2 से 3 बार आपको रोटी के ऊपर लगा के फिर पशु को देनी है। बड़े पशु जैसे कि गाय या भैंस हो, उनको 25 से 30 ग्राम दिन में 2 से 3 बार, उनसे छोटे पशु गधा हो गया, खच्चर, घोड़े, उनको 20 से 25 ग्राम दिन में 3 बार। दोस्तों, छोटे पशु जैसे कि कुत्ता, भेड़ या बकरी या बिल्ली, उनको आप वजन के अनुसार 5 से 15 ग्राम जो दवा है डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे सकते हैं। अगर आपको लगता है पशुओं को दिक्कत जा रहा है तो 100 ग्राम डब्बी के अंदर 5 ग्राम आप कपूर टिकड़ी मिला के दे सकते हैं, जिससे कि दवा का असर आपको इससे ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी तरह की किसी भी मेडिसिन के ऊपर रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।